सीए को लेकर दंगा अब सियासी दंगल में बदल गया है। राजनीतिक मंच पर अब सीए को लेकर चैलेंज किए जा रहे हैं, तो वहीं ये चैलेंज विपक्षियों के खेमे में चिंगारी का काम भी कर रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने सीए पर विपक्षियों को चुनौती क्या दी, बिना वक्त गवाए विपक्षियों ने चुनौतियों को स्वीकार कर लिया। देखिए किस तरीके से सीए को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। सीएए का सियासी दंगल, मंत्री की विपक्ष को चुनौती, अखिलेश मायावती मैदान में आए। सीएए के सियासी दंगल में अब बात चुनौती और चैलेंज पर आ गई है। शाह के चैलेंज का अश्रु ये हुआ कि विपक्षी खेमे में भी चिंगारी उठ गई। लखनऊ के रामकथा पार्क में सीए के समर्थन में रैली को संबोधित करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कांग्रेस, सपा और बसपा को इस मुद्दे पर खुले मंच पर बहस की चुनौती दी थी। मैं आज आप सबके सामने कहने आया हूं, ममता दीदी, राहुल बाबा, अखिलेश जी, जिसमें भी हिम्मत है चर्चा करने के लिए सार्वजनिक मंच ढूंढ लो, हमारा स्वतंत्र देव आपके सामने चर्चा करने के लिए तैयार है। गृहमंत्री अमित शाह की इस चुनौती ने विपक्षियों के विरोध को हवा दे डाली। बिना समय गवाए पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस चुनौती को स्वीकार किया। अर्थव्यवस्था कहां पहुंच गई है उस पर बहस नहीं करना चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था कहां पर है। नौकरियों के सवाल पर नहीं बहस करना चाहते हैं, नोटबंदी के सवाल पर नहीं बहस करना चाहते हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि जहां चाहे वहां विकास पे बहस करना चाहे, हम समाजवादी लोग तैयार हैं। अखिलेश यादव सामने आए तो बसपा वाली बहन जी भी भला कैसे पीछे रह जाती। हर मुद्दे पर कटाक्ष करने वाली बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी सीए और एनआरसी को लेकर गृहमंत्री अमित शाह की चुनौती को स्वीकार करते हुए ट्वीट किया। मायावती ने ट्वीट में लिखा कि अति विवादित सीए, एनआरसी, एनपीआर के खिलाफ पूरे देश में खासकर युवा और महिलाओं के संगठित होकर संघर्ष और आंदोलित हो जाने से परेशान केंद्र सरकार द्वारा लखनऊ की रैली में विपक्ष को इस मुद्दे पर बहस करने की चुनौती को बीएसपी किसी भी मंच पर और कहीं भी स्वीकार करने को तैयार है। चुनौतियों के दाव पेच में कांग्रेस वाली प्रियंका ने भी एंट्री मार दी। प्रियंका ने तो बीजेपी के साथ साथ सपा बसपा पर भी निशाना साध दिया। प्रियंका ने ट्वीट किया, अजीब दास्तां है ये, कहां शुरू कहां खत्म। गृहमंत्री जी उत्तर प्रदेश में उन्हें चुनौती दे रहे हैं जो उनके खिलाफ लड़ने के लिए घर से बाहर तक नहीं निकलते, और जिन्हें गृहमंत्री जी को चुनौती देनी चाहिए वो दूसरे प्रदेशों की समस्याओं की बातें कर रही हैं। उत्तर प्रदेश की जागरूक जनता सब समझती है। सीए को लेकर अभी चुनौतियों की ये तो शुरुआत है, अब देखना ये होगा कि लड़ाई कितनी अंगड़ाई लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट R90, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।